हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सेवई। सेवई तो हम बनाते ही रहते हैं हमेशा अपने घर पर, सिंपल वाली सेवई। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आई हूँ नेस्ले का मिल्कमेड, जिसकी मदद से कोई भी स्वीट रेसिपी को हम स्वादिष्ट और दुगना बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है नेस्ले का मिल्कमेड, जिसका प्राइस है 139 रुपीज़, और ये एकदम फ्रेश है। ये मुझे सुपर मार्केट में मिला है। 400 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। जो कंटेनर आप देख रहे हैं 139 रुपीज़ का है। एक बार अगर आप ले लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 रेसिपी आप आसानी से अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो ये जो कंटेनर मैंने लिया है 139 रुपीज़ का है। ये इस नेस्ले से मैं इसमें 2 से 3 रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सेवई हमें कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सेवई। सेवई आप कोई भी ले सकते हैं। तो जो सेवई मैंने लिया है ये मीडियम साइज़ की है। ये इसको पहले हमें घी डालकर भून लेना है और इसको अच्छा कलर हमें कर लेना है, लाइट ब्राउन हम कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा आगे कर लिया है और देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे दूध। मैं कम से कम 5 लोगों के लिए सेवई बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने 2 बड़े कप इसमें दूध डाल दिया है। तो अब हम सेवई और दूध को पकाएंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसको, जब तक सेवई नहीं पकती है तब तक हमें इसे बॉईल कर लेना है, पका लेना है। और ढक्कन से हम नहीं ढकेंगे इसको, हमें बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगेगा और ये बहुत जल्दी सेवई पक जाती है। ये तो ये देखिए उबाल आना शुरू हो गई है। और अब हम इसमें आपको कुछ मिलाना है, जैसे आप कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाना चाहते हैं इस टाइम आप मिला सकते हैं, या फिर आप इलायची भी मिला सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो गया है और ये जो सेवई है पक चुकी है। तो इस सेवई में मैंने शक्कर नहीं मिलाया है, वो इसलिए क्योंकि हम इसमें आज मिलाने वाले हैं नेस्ले का मिल्कमेड, और जो कि वो काफ़ी मीठा होता है। तो हमें शक्कर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिना शक्कर के हम इस सेवई को आज हम बनाएंगे। तो पहले सेवई को चेक कर लेते हैं। देखिए टूट रही है, इसका मतलब है सेवई अच्छे से बन चुकी है। और अभी गर्म है इसलिए दूध आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में नज़र आ रहा होगा, जैसे ठंडा होगा तो ये दूध भी कम हो जाएगा। तो हमने दोस्तों यहाँ पे सेवई बना लिया। इसमें हमको कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना है, आपको इलायची मिक्स करना है, आपने कर लिया, लेकिन आपको शक्कर मिलाना नहीं है। हम इसमें मिलाएंगे आज मिल्कमेड। तो ये कंटेनर के जो कैप है इसे ओपन करना है हमें, और ये यहाँ से इस तरह से हमें ओपन करना पड़ता है। तो थोड़ा सावधानी से करना है दोस्तों, क्योंकि ये हाथ में लग भी सकता है, कभी कभी ये ओपन होता भी नहीं है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको ओपन करने के लिए, मुझसे हो भी नहीं पा रहा था। चाकू की मदद से देखिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ उसको। तो आपको भी अगर ऐसी परेशानी आती है तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो जैसे तैसे मैंने इसको खोल लिया है, और जो कंडेंस मिल्क है ये देखिए पूरा अच्छी तरह से फील है इसमें भरा हुआ है। अब हम इसमें सेवई में इसको हम डालेंगे। तो हमें जितना ज़रूरत है उतना ही मिक्स करना है, मतलब आपको अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा रखना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना मिक्स करना है। मैंने इसमें से कम 2 बिग स्पून मैंने इसमें डाला है। तो देखिए हमने इसमें डाल दिया, और ये जो अब सेवई है ये मीठी हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन गई है, काफ़ी अच्छी बनी है दोस्तों वाकई में, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो यदि आप इसे मिक्स करते हैं तो आपको शक्कर मिलाना नहीं है, आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी सेवई बिगड़ जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा मीठी हो जाएंगी फिर। तो इसको मिक्स करने के बाद हमें शक्कर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंडेंस मिल्क को हमने मिक्स कर लिया, इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, आप कोई भी ले सकते हैं। इस सेवई में नेस्ले मिल्कमेड मिक्स करने के बाद हमें इसको बॉयल नहीं करना है, जब अच्छे से सेवई पक जाती है उसके बाद ही हमें नेस्ले का यूज़ करना पड़ता है। और अगर ठंडी हो गई है तब आप थोड़ा सा इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन इस कंडेंस मिल्क को मिक्स करने के बाद हमें बॉईल नहीं करना है, गैस पे इसको नहीं रखना है। इस तरह से हमें बनाना है दोस्तों। और इस सेवई को आप 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। और ये जो कंटेनर हमने नेस्ले का, मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको कि जब ये ओपन किया मैंने इसको, तो अब ये कंटेनर इस नेस्ले मिल्कमेड को आपको 7 दिन के अंदर यूज़ करना है। तो जैसे हमने इसका कैप खोला है तो बस वैसे ही अब हमें आधा यूज़ कर लिया, अब आधा हम 7 दिन के अंदर हमें इसको यूज़ कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद आपको इसे फ्रिज में रखना है, इस तरह से आप पॉलीथीन लगा दें इसमें, अच्छे से पैक कर ले, क्योंकि इसका जो कैप है वो मैंने काट के हटा दिया है तो इसमें कोई और कैप लग नहीं पाएगा, इसलिए हमें इस तरह से पॉलीथीन लगा कर कवर करके फ्रिज में रखना है। और अगली रेसिपी मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी, यही वाला नेस्ले मिल्कमेड से हम बनाएंगे कुल्फ़ी।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।